गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन ब्लॉगर रितिका। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है एक एग और एक एग पराठा। उसके साथ मैंने ली है थोड़ी सी पुदीने की चटनी और साथ में ली है चाय। पुदीने की चटनी के साथ एग पराठा बहुत टेस्टी लगता है, कभी ट्राई करके देखना आप। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जस्ट मैं लग गई हूँ अपने काम करने में, जो मतलब मेरा काम होता है पोछा लगाने का। तो ये जो मैट पड़ी हुई है इसके ऊपर सुबह चाय गिर गई थी क्योंकि मम्मी जब चाय उठा रही थी तो मम्मी की पूरी प्लेट में चाय गिर गई थी, तो ये मैट पूरा गंदा हो गया था। तो वैसे तो मम्मी ने पहले इसको धो दिया था, लेकिन मैं फिर भी इसको बाद में दोबारा से धो रही हूँ कि चिपचिपा सा लगता है ना, थोड़ा अजीब सा। तो मैं इसको धो के सुखा दूँगी थोड़ी देर धूप में, उसके बाद फिर इसको अंदर ले जाएंगे। काम जो है मेरा सारा ऑलमोस्ट हो चुका है, अब बस मुझे नहाने जाना है। और थोड़ा सा मेरी आवाज़ के लिए माइंड मत करना क्योंकि अभी मैं सो करके उठी हूँ और वीडियो मुझे पोस्ट करनी है, तो इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये मत सोचना कि कैसी अजीब सी वॉइस आ रही है, मैंने सोकर उठकर बस फेस वॉश किया है, उसके बाद मैं लग गई हूँ अपना वॉइस ओवर देने में। तो अभी मैं नहा करके भी आ चुकी हूँ, अब इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो मम्मी ने सारे नींबू काट के रखे हुए हैं, मम्मी नींबू का अचार बनाएंगी, इसलिए मम्मी ने दोपहर में बैठे बैठे नींबू भी कट कर लिए थे। और देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। देखो कैसे बैठे हुए हैं दोनों, एकदम भूत की तरह लग रहे हैं, सिर्फ फेस पे इनके लाइट आ रही है, फ़ोन चलाया हुआ है इन्होंने। तो मैं इनसे पूछने आई थी कुछ, मुझे याद नहीं मैं क्या पूछने आई थी। तो अब बस लाइट ऑन कर दूँगी मैं। और सेमू अचानक से डर गई, ये डरते नहीं है, दूसरों को डरा देते हैं ऐसे लाइट बंद करके। और सीमू से मैं पूछ रही थी ये क्या पड़ा हुआ है, तो ये ऐसे ही मजाक में बोल रही थी ये मेरी पैंट ढीली है इसलिए मैंने अपना नाड़ा बांधा हुआ है मजाक में। और वैसे ये नाड़ा मैंने निकाल के रखा हुआ था, एक पजामे में मुझे डालना था इसलिए। और यहाँ पर मम्मी खा रही है उसके बीज, कोई कोई तो समझ गया होगा किसके बीज, वो नहीं होते जो सीताफल में से बीज निकलते हैं, तो मम्मी वो खा रही है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वो काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए मम्मी खा रही थी उनको धो करके। और ये मैंने बनाई है इमली की चटनी, और मैं सीमू से टेस्ट करवाने के लिए लेके आई हूँ, पूछ रही हूँ मैं कि कैसी लग रही है बता एक बार टेस्ट करके। तो अभी सीमू का रिएक्शन देखना कि क्या होगा इसको टेस्ट करने के बाद। तो ये फेस तो ऐसा बना रही है, पर लेकिन इसको भी अच्छी लग रही थी। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया है, थोड़ी सी ली है चीनी और पानी में इसको उबाल दिया है। सीमू मुझे बोल रहे इसकी ना छोटी छोटी गोलियां बना ले सुखा करके और चीनी पाउडर लगा दे ऊपर से। अब स्वाति का सजेशन ले रही हूँ मैं कि तेरे को कैसी लग रही है, अब देखते हैं वो क्या सजेशन देगी, उसके फेस से पता चल जाएगा आपको कि कैसी लग रही है उसको। देखो इसने ऐसे किया है, तो इसको तो स्वाति को अच्छी लग गई, स्वाति भी लेकिन अपना सजेशन देगी, देखते हैं इसका सजेशन क्या होगा। तो इसने सजेशन ये दिया था कि इसके अंदर है ना गुड़ डाल ले, गुड़ से क्या पता ये और भी अच्छी लगे, वैसे भी ये बहुत अच्छी लगती थी। और इनको देखते देखते मेरे को माइंड में आया कि मैं ना ऐसा करती हूँ
अभी ना पकोड़े बनाती हूँ और पकोड़े के साथ इनको खा के देखते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल पकोड़े बनाने अभी जाऊंगी और आ गई हूँ मैं यहाँ किचन में सिंपल पकोड़े बनाने। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, जैसे होता है ना कि कोई कोई लोग उसके पसंद करते हैं प्याज वगैरह के बनाने, आलू वगैरह के, तो मेरे को नहीं पसंद है, मेरे को बिल्कुल प्लेन पकोड़े पसंद है, तो मैं वही बनाने आई हूँ। इसके अंदर मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं हल्दी नमक मिर्च ऐड कर रही हूँ और इसी से मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इसमें मैंने सब कुछ जो है ऐड कर लिया है। अब इसमें मैं पानी डाल के इसको अच्छे से घुमा करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी, उसके बाद ही मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखते देखते मेरा सब कुछ, मेरा तेल भी गर्म हो गया है और मेरा ये जो पेस्ट है बैटर है ये भी मेरा रेडी हो गया है। और अब बस मैंने छलने निकाल लिया है क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, और इसको थोड़ा मीडियम आँच पे मैं पकाना पसंद करती हूँ। तो अभी मैं डाल के देखती हूँ कि पकोड़े कैसे बनेंगे। तो फर्स्ट टाइम में मैंने तीन ही पकोड़े बनाए हैं शायद, जितना मतलब मुझे याद है। तो देखते हैं ये तीन पकोड़े मेरे कैसे बनते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग के तीन तीन चार पकोड़े बनाए थे वो ना थोड़े फूले नहीं थे अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसके अंदर थोड़ा बेकिंग पाउडर ऐड कर देती हूँ। मैंने मतलब पिंच ऑफ वन पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, मैंने इसके बेकिंग पाउडर ने मीठा सोडा ऐड कर दिया था। उसके बाद जो ये है पकोड़े हैं इतने ज़्यादा फूल रहे थे कि जैसे ही मैं डाल रही थी वैसे ही आप देख रहे हो ना कैसे घूम के जा रहे थे, घूम के लोटपोट हो जा रहे थे देखने में, सच में इतने गोलू मोलू बोल जैसे लग रहे थे बिल्कुल मेरे पकोड़े। आप भी देख रहे हो, सच में मुझे देख के इतनी खुशी होती है। खाने के बाद मैं इसका टेस्ट बताऊँगी कि अच्छा है या बुरा है, जैसा भी टेस्ट होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब पकोड़ों को बाहर निकालने का टाइम आ गया। सीमो एक टेस्ट करके देख रही थी कि कैसा लग रहा था, तो अभी बताऊंगी मैं उसका टेस्ट कैसा था। अब मैंने बस सारे पकोड़े निकाल लिए, आप देख रहे हो मैंने कितने कम पकोड़े बनाए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि शायद किसी को पसंद आए ना आए इसलिए मैंने बहुत कम बनाए हैं। मुश्किल से मैंने 8-10 ही पकोड़े बनाए हैं और लेकिन दिखने में अच्छे लग रहे हैं। और अभी मैं बताऊंगी कि कैसे बने हुए हैं। तो इसको मैंने बोला था ना कि मेरे को मतलब चटनी के साथ, ये जो मीठी चटनी है इसके साथ खाने का मन करा था, इसलिए मैंने ये वाले पकोड़े बनाए थे। तो मेरे पकोड़े जो है रेडी हो गए हैं, अब बस खाने का टाइम आ गया इनको। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चाट मसाला, चाट मसाला डालने से पकोड़े जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अब बस मैंने इनके ऊपर डाल दिया है चाट मसाला, अब देखते हैं कि सबको खाने में कैसे लगेंगे। और देख रहे हो 5-6 पकौड़े मुश्किल से हैं और मैंने इतना झंझट करा है फिर भी इनके ऊपर। और अभी मैं आपको बैठ करके बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। मम्मी तो अभी अपने बीजी खा रही है और हम खा के देखते हैं भाई कैसा लग रहा है। स्वाति खा के देख रही है पहले, अब मैं खा करके आपको बताऊँगी कि कैसा लग रहा है।
तो भाई मुझे तो बहुत पसंद आए सच में। मुझे ना अपने ये सिंपल वाले पकोड़े हमेशा पसंद आते हैं। मैं तो आपसे मजाक कर रही थी कि बाद में बताऊंगी आपको टेस्ट कैसा है। तो मुझे अपने ये वाले पकोड़े बहुत पसंद आते हैं, जो प्लेन पकोड़े होते हैं। मुझे काफ़ी हद तक है ना, मतलब बहुत अच्छे होते हैं ये। राम लड्डू वगैरह होते हैं ना, मुझे ये भी बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं प्लेन पकौड़े बनाना ही पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं खाती, खा तो मैं वो भी लेती हूँ, लेकिन बनाने मुझे ये सिंपल वाले पसंद है। सेमू को और स्वाति भी बोल रही थी कि बहुत अच्छे लग रहे हैं इस चटनी के साथ। तो किसी दिन मैं ये चटनी बना करके स्टोर करूँगी। वैसे तो मम्मी मुझे डांट रही थी कि ये चटनी इमली इतनी ज़्यादा मत खा, गला ख़राब हो जाएगा। पर फिर भी मैंने ना इसमें चीनी डाल के इसकी चटनी बना ली थी थोड़ी सी, कि मैं ट्राई करके देखती हूँ। कि जो बाहर स्कूल के बाहर जो मिलती नहीं थी, जब हम लोग स्कूल जाते थे, बाहर भैया खड़े रहते थे जिनके पास चूरन वगैरह होते हैं, वो ऐसी इमली भी रखते थे। हालांकि मैंने कभी इस तरीके से लेके नहीं खाई, पर जब फ्रेंड्स वगैरह लेते थे तो उनके उसमें से टेस्ट कर लेते थे करते थे तो उसका टेस्ट जो है बिल्कुल ऐसा ही होता था। और स्कूल के बाद कभी भी मैंने इमली वगैरह लेके ऐसे खाई नहीं है। बस यही टाइम था जो मैंने इमली लेकर के खाई थी। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताना आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ये वीडियो भी और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी बताना कि आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।